हेलो गाइस, आज मैं जो है पंचसर की वादियों में आया हुआ हूँ। पंचसर की वादियाँ, ये हमारे भाई साहब का बगीचा है। ये सामने आगे दिख रहा होगा आपको मंदिर पंचसर का। ये नदी है, ये यहाँ पर जो है हम लोग अभी स्नान करके आए हुए हैं। हमारे भाई साहब का बगीचा पूरी बिल्कुल यहाँ पर भी आए हुए हैं। लोग आए हुए और ये हमारे भाजपा के बगीचा इस खान मिले रहा है। ये नदी है नीचे सरयू नदी का। ये इस बार जो बारिश हुई थी उसमें ये पंचसर के रास्ते की हालत कर रही थी। पूरी तरह रास्ता बिल्कुल खराब हो चुका है मंदिर में जाने के लिए। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, पंचसर का चौखाम बाबा का मंदिर है। वहाँ जो उसमें जो है ये मंदिर और हम लोग आज यहाँ पर जो है आने का मौका मिला था। ये हमारे भाई लोग नदी में नहा रहे हैं, देखो नीचे नदी में नहा रहे हैं। इसमें आम से बगीचे अमरूद सारी चीज़ें हैं और ये टेंट लगा हुआ है। देखो ये टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर विजिटर्स जो तो बाहर से आते हैं उनके लिए व्यवस्था है और बाकी टेंट सब इधर लगे हुए हैं। ये सभी और यहाँ पर जो है ये हमारे भाई साहब का दूसरा होटल है। ये होटल है यहाँ का। यहाँ पर जो है VIP के लिए है ये, बाकी लोग जो भी रहना चाहता है होटल में उनके लिए है। चाय है पीने का आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर रसोई में सारे लोग, और कुछ लोग दम हम भी लगा रहे हैं चाय भी पी रहे हैं साथ में। ये भाई साहब की रसोई है, यहाँ पर हल्की हल्की वो भी चल रही है। अभी हम लोग थोड़ा रसोई में आए हुए हैं, बाकी चाय है की व्यवस्था है, बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी शाम को होगा, जो भी होगा व्यवस्था होगी। ये हमारे मोहन भाई अभी जा रहे हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। बाकी सब भाई लोग हैं, सब अभी नदी में नहा के आए हैं सब लोग। अब जो है आज अब घर की तरह प्रस्थान करते हैं।
हमारे धामी जी आ रहे हैं चाय लेके। कप चाय। इस बार जो है ये मंदिर ये रास्ते का ये पोजीशन है हमारे पंचेश्वर के रास्ते की ये पोजीशन है। रास्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा रास्ता बिल्कुल भयंकर तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। पंचेश्वर की सूरत ही चेंज हो गई है, बिल्कुल जैसे पंचेश्वर था पहले ऐसे ही बिल्कुल चेंज हो गया है। ये हमारे मंदिर को जाने वाला रास्ता पूरा देखो ये कैसा हो गया है।